इस वीडियो में आज हम पैनासोनिक एसी रिमोट के बारे में बात करेंगे। मतलब ये वाला जो रिमोट दिख रहे हो, इसका फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये 2022 से लेकर 23 तक एसी का पैनासोनिक का टॉप मॉडल है। इसमें क्या क्या फीचर्स है और इसमें क्या फंक्शन है रिमोट में, इतना जो स्विच दिख रहे हैं ये क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊपर एकदम टॉप पे जो पीला कलर की स्विच है, वो ऑन ऑफ का स्विच है। उसको एक बार दबाएंगे तो आपका एसी ऑन हो जाएगा और उसको दूसरी बार दबाएंगे तो एसी ऑफ हो जाएगा, मतलब ये ऑन ऑफ का काम करेंगे। उसके नीचे टेम्परेचर लिखा हुआ है और एक स्विच नीचे तरफ एरो है, एक स्विच ऊपर तरफ एरो है। ये टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए, टेम्परेचर मतलब आपका रिमोट को जो डिस्प्ले 24 दिखा रहा है, ये उसके बाजू में सी लिखा हुआ है, मतलब सेंटीग्रेड के हिसाब से है। मतलब अब ये जो नंबर जो है ये जितने नीचे करेंगे, मतलब ये एरर है, ये नीचे तरफ दबाएंगे तो नीचे तरफ नंबर नीचे होगा और ऊपर तरफ स्विच दबाएंगे ये नंबर ऊपर तरफ जाएगा। नंबर जितने नीचे होगा कूलिंग ज़्यादा आएगा, नंबर जितने ऊपर होगा कूलिंग कम आएगा। मतलब ज़्यादा देर तक चलेगा इसके लिए कूलिंग ज़्यादा होगा, कम टाइम चलेगा तो कूलिंग कम होगा। मतलब ये टेम्परेचर का अप डाउन करने के लिए स्विच है। उसके लेफ्ट साइड पे MODE मोड बोल के जो स्विच लिखा हुआ है, ये एसी का फंक्शन के बारे में, 24 के ऊपर का जो लाइन है उस पर 24 के राइट साइड पे कूलिंग लिखा हुआ है, कूल लिखा हुआ है। मतलब ये मोड बटन में चार फंक्शन है, एक तो कूल मोड है, दूसरा ऑटो मोड है, तीसरा ड्राई मोड है, चौथा जो है वो फैन मोड है। ऑटो मोड पर भी कूलिंग होगा, कूलिंग मोड पर भी कूलिंग होगा और ड्राई मोड पर भी कूलिंग होगा। लेकिन इस पे ऑटो मोड और ड्राई मोड आप खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितना डिग्री रखेंगे और कितना टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये कंपनी वाला उस पे फिक्स कर दिया है तो उस हिसाब से ये काम करेगा ऑटो मोड पे और ड्राई मोड पे। ऑटो मोड पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर 24 से नीचे नहीं आता है, मतलब 24 या 25 तक रूम टेम्परेचर रहता है, मतलब कंफर्टेबल टेम्परेचर का अंदर रखता है एसी को। और कूलिंग मोड जो है वो अपने, मतलब आप कुछ नहीं करता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से। ड्राई मोड भी ऐसा है, कंपनी जो फिक्स करके दिया है उस हिसाब से ये काम करता है। उसके बाद में आखिरी बार, मतलब उसको चौथी बार जब दबाएंगे मोड बटन को, वो फैन मोड है, मतलब खाली फैन चलेगा आपका इंडोर का, मतलब कूलिंग नहीं होगा, खाली हवा फेंकेगा उस पर। उसके बाद राइट साइड में चला जाएगा, एक वाईफाई का सिंबल दिया हुआ है और स्मार्ट स्विच है, ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए होता है। ये मोबाइल पे आपका पैनासोनिक का जो ऐप से मैनुअल बुक पे मिल जाएगा, वो ऐप्स डाउनलोड करने के बाद उसको आपका मेल और फ़ोन नंबर दे के उस पर एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका जो रिमोट को जो भी फंक्शन है आपका मोबाइल पे ऐप्स पे आ जाएगा और आपका घर पे ब्रॉडबैंड, मतलब जो मोबाइल का जो नेट है उस पर नहीं होगा, ब्रॉडबैंड का जो नेट कनेक्शन है उससे आप ये रिमोट को अब मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं जेट स्ट्रीम, मोड बटन के जो नीचे है ब्लू कलर की, और जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम का काम होता है फ़ैन का जो स्पीड है, मतलब फ़ैन को आप हाई लो मीडियम ऑटो कर सकते हैं। उसका एक फिक्स स्पीड है, मतलब आप कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये जेट स्ट्रीम जो है ये एक फ़ैन का एक्स्ट्रा स्पीड है। कोई कोई मॉडल पे इसको टर्बो मोड भी बोलते हैं, मतलब फ़ैन का स्पीड कुछ टाइम के लिए 20 मिनट के या 25 मिनट के आसपास फ़ैन का स्पीड हाई स्पीड हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो स्पीड है उस पर चलता रहेगा। उसके बाद 20 या 25 मिनट के बाद फिर नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। उसके राइट से चले आएंगे टेम्परेचर के बाजू में स्विंग, दो स्विंग का स्विच है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे दो स्विंग दिया रहता है। मतलब आपका स्विंग को जो यहाँ से हवा फेंकता है वहाँ पे एयर थ्रो करने के लिए जो फ्लापर होता है, एक ऊपर नीचे होता है, एक राइट साइड होता है, ये दोनों स्विच दोनों के लिए, मतलब एक राइट साइड घूमेगा स्विंग और एक ऊपर नीचे अप डाउन करेगा। फिर उसके बाजू में आता है फैन स्पीड, फैन स्पीड जो है वो फैन को कंट्रोल करने के लिए हाई लो मीडियम, उसका ही एक्स्ट्रा ऑप्शन है जेट स्ट्रीम। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं फैन स्पीड के बाजू में स्लिप मोड, स्लिप मोड का काम होता है आप जो टेम्परेचर सेट करके रखते हो उसका 2 डिग्री ऑफ करके मशीन को 8 घंटे चलाएगा सिस्टम और फिर नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। इसका मतलब होता है, स्लिप मोड का मतलब होता है आप एसी चालू करके जब सो जाते हो रात पे, जब नींद आ जाता है तो आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा
तो आपको एसी बंद चालू बंद करके बंद करना पड़ेगा या चादर ओढ़ना पड़ेगा। या सोचो कोई टाइम रात को बारिश आ जाता है तो बारिश के वजह से क्या वातावरण ठंडा हो जाता है, तो आपको एसी बंद करना पड़ेगा। लेकिन स्लीप मोड पे होगा तो 2 डिग्री टेम्परेचर ऑफ हो जाएगा, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगा और ठंडी भी नहीं लगेगा। मतलब जैसे 24 पे रखते हो तो वो 27 तक चला जाएगा, 26-27 2 डिग्री बढ़ जाएगा 8 घंटे में, इस तरह ये काम करेगा। उसके नीचे आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब आपका एसी का ऊपर जो डिस्प्ले दिखता है, मतलब रिमोट पे नहीं, एसी के ऊपर जो 24-25 वो आपको चालू बंद कर सकते हैं डिस्प्ले बटन के माध्यम से। उसके आते हैं कंफर्टेबल 7। कंफर्टेबल 7 का मतलब है मशीन को आप, आपका मशीन 1.5 टन का होगा तो उसको पार्ट पार्ट करके आप कन्वर्ट करके चालू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसको एक बार दबाएंगे तो आपका जो मशीन है फुल कूलिंग में चलेगा, मतलब जो आपका टन है उससे वो मशीन चलेगा। उसको और एक बार दबाएंगे तो उसका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा ना, मतलब 90% हो जाएगा। उसको और एक बार दबाएंगे तो वो 80% हो जाएगा। उसको और एक बार दबाएंगे तो वो 60%, ऐसे कैसे करते हैं आप 40% तक उसको कूलिंग को घटा सकते हैं। मतलब जैसे सोचो आपको रूम में कोई नहीं है लेकिन रूम का अंदर सफोकेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एसी चलाना ज़रूरी होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा करेगा और एसी भी चलता रहेगा, उस हिसाब से आप मशीन को 1.5 टन मशीन को 40% कूलिंग पे आप चला सकते हैं। मतलब रूम पे ठंडा भी रहेगा और कभी भी रूम पे आएंगे तो सफोकेशन नहीं करेगा, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक बचत भी होगा और कूलिंग भी होता रहेगा। इस हिसाब से इसको आप कन्वर्ट करके चला सकते हैं। मतलब 1.5 टन मशीन को 40%, मतलब 1 टन से भी नीचे करके अब यूज़ कर सकते हैं। उसके राइट साइड पे जाएगा तो एक क्लीन बटन है। क्लीन बटन का काम होता है, सबसे पहले बात कर लो क्लीन बटन यूज़ कैसे करते हैं। एसी को रिमोट से ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद क्लीन बटन ऑन करना पड़ेगा, आपको मेन स्विच ऑन रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा आपका एसी ऑन हो जाएगा और एसी का जो डिस्प्ले है उसको CL दिखाएगा, मतलब आपका एसी ऑटोमेटिक क्लीन करेगा। मतलब आपका फ़ैन नहीं चलेगा, कूलिंग कॉइल पे आइस आ जाएगा, जब कूलिंग कॉइल आइस पिघलने लगेगा तो कूलिंग कॉइल का जो कचरा है वो पानी के साथ बाहर चला जाएगा, इस तरह एक काम करेगा। उसके नीचे आता है टाइमर। टाइमर का 3 बटन दिया हुआ, ब्लू, एक ऑन, एक ऑफ और एक कैंसिल। ऑन टाइमर मतलब आप टाइम देके एसी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ टाइमर मतलब टाइम देके ऑफ कर सकते हैं, और कैंसिल बटन है एसी को टाइमर को कैंसिल करने के लिए। लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं, नीचे 2 होल दिया हुआ, एक सेट और दूसरा है चेक। सेट मतलब आप कोई भी चीज़ को सेट कर सकते हो, वो दबा के सेट कर, जैसे घड़ी हो गया, इसका डिस्प्ले में जो घड़ी है उसको सेट करने के बाद ये स्विच पुश कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा। चेक बटन जो है, जैसे आपका एसी में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन पता नहीं चल रहा है या डिस्प्ले में एरर कोड नहीं दिखा रहा है, तो 3 सेकेंड ये होल पे कुछ दबा के रखेंगे तो आपका डिस्प्ले में एरर कोड का सिंबल आ जाएगा और टेम्परेचर स्विच को एक एक करके अप डाउन करेंगे तो आपका जितना भी एरर है मशीन पे एक एक करके दिखाएगा। आपका मशीन पे जो एरर है वो जब लंबा बीप करेगा, बजर बजेगा, तब पता लग जाएगा तो वो मशीन पे आपका वो एरर है। उसके बाद आते हैं क्लॉक। मतलब आपका एसी का जो डिस्प्ले है उसको जो घड़ी दिख रहा है यहाँ पे 6:41 हुआ है, तो वो सेट करने के लिए एक क्लॉक बटन दे रहता है। उसके बाद में 2 जो बटन है, एक एसी लिखा हुआ है, बटन नहीं है, 2 होल है, उस पर अंदर स्विच है, एक एसी लिखा हुआ है और एक पे आरसी लिखा हुआ है। एसी मतलब एसी को आप रीसेट कर सकते हैं, ये 3 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे एसी की तरफ रिमोट को रख के, तो आपका जो एसी है रीसेट हो जाएगा। मतलब पहले सब कुछ सेटिंग जो है हट जाएगा, पहले जैसे नया जब एसी लगाते हो उस हालत पे एसी आ जाएगा। उसके राइट साइड पे आ जाते हैं आरसी। आरसी मतलब उसको 3 सेकेंड दबा कर रखेंगे तो आपका रिमोट का जो सेटिंग है जितना भी टाइम वाइम सब कुछ उड़ जाएगा और फिर से नया तरीके से ये रिमोट हो जाएगा। मतलब आपका जो नया हालत में जिस तरह एसी आया था या रिमोट आया था उस हालत पे एसी का रिमोट आ जाएगा। तो ये इतने ही फंक्शन है आपका, आशा करता हूँ समझ आया है, और कुछ भी सवाल जवाब होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं।